सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्यास लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और ये जो है ना मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है, इस टाइम में मेरे कुछ फ्लावर के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो एक दो फूल रोज़ मुझे मिल ही जाते हैं पूजा करने के लिए। उसी से मैं एक दो फूल तोड़ के और पूजा कर लेती हूँ, इसलिए हमने ज़्यादा फ्लावर के ही प्लांट लगाए हुए हैं ताकि मुझे पूजा करने में कुछ एक आध फूल मिल ही जाए। तो अच्छा लगता है पूजा करने में जब फूल मिल जाते हैं ना घर में हो तो अच्छा लगता है। ऐसे बिना फूल के पूजा करना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, ये मेरा ऑरेंज कलर का है, ये जो है इसको बोलते हैं गुड़हल का फूल, या फिर हम लोग तो अपनी भाषा में अढ़ोल का फूल बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए किट्टू मेरा लगा हुआ है टीवी में। ये मेरा मॉर्निंग का है, मुझे जल्दी जल्दी में स्कूल जाना था तो मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई। उसके बाद जो है मैं आ गई शाम में, ये शाम का इवनिंग का ब्लॉग है मेरा। जब मैं स्कूल से वापस आई ना तो थोड़ा हल्का फुल्का भूख लग जाती है आने के बाद, तो मैं थोड़ा सा मखाना और काजू और बादाम रोस्ट कर रही थी ताकि मैं कॉफ़ी के साथ इसे पी सकूँ। और थोड़ा किट्टू को भी, किट्टू भी रहता है दिन भर घर में ना तो उसे भी मन नहीं लगता है, तो थोड़ा सा टाइम तो बच्चों को देना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो ना उसे लगता है पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं, तो एक आध घंटा का टाइम जो है बैठ के उसके साथ बातें होते करते हैं तो अच्छा लगता है, उसका भी मन बहलता है। वो भी दिन भर की सारी बातें मुझे सुनाता है और हम भी कुछ कुछ उससे बातें करते हैं। तो ये जो है ना, ऐसे डेली हम लोग कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, उसे नहीं देते हैं, लेकिन इस तरीके से ना मखाना आप रोस्ट करके उसमें हल्का नमक डाल के आप चाय या कॉफ़ी के साथ शाम के टाइम में ले सकती हो। बहुत ही अच्छा स्नैक्स होता है और हेल्दी भी होता है। यहाँ पर जो है ना हम और किट्टू बातें कर रहे हैं कुछ ऐसे दिन भर की सारी बातें, क्या क्या उसने किया क्या नहीं किया, ये सारी बातें हम लोग, वो मुझे सुना रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं उसे ना काजू खिला रही, पर वो इतना बदमाश है ना बिल्कुल नहीं खाता। और आज है किट्टू के फ्रेंड का बर्थडे, जो कि हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ और भी शॉपिंग करने थे, तो मैं स्कूल से आने के बाद शाम में भी जा रही हूँ मार्केट। हम और किट्टू, और ये है मेरी स्कूटी, मेरा फेवरेट, जिसके बिना तो मेरा लाइफ चल ही नहीं सकता है ऐसा बोले तो, जिसके बिना हम नहीं हैं। और ऐसा आदत हो गया ना कि रिक्शा वगैरह से जाने में ना बिल्कुल ही मन नहीं करता है। उसके बाद में ना आई थी विशाल मार्ट है, मुझे यहाँ शॉपिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ काफ़ी चीज़ें ना एकदम बिल्कुल सस्ता, सुविधा, किफ़ायती में मिल जाता है और अच्छी चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं कि सस्ते में मिलते तो वो अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है। मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे मार्केटिंग करना, मैं अक्सर यहाँ ही आती हूँ और यहीं सारी चीज़ें खरीदती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको दिखा रही हूँ ना क्योंकि यहाँ काफ़ी सस्ते में मिल जाती है सारी चीज़ें। अगर आपको कभी मन हो ना तो आप विशाल मार्केट आ सकते हैं और देख सकते हो कोई भी चीज़ लेने का मन हो ना।
मार्केट में क्या होता है ना कि अच्छे से ना सारी चीज़ें प्रॉपरली सूट नहीं हो पाती है। कैमरा उठा के कुछ भी सूट करना ना थोड़ा अजीब लगता है बहुत सारे आदमी के बीच में, पता नहीं कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, इसलिए प्रॉपरली जो होता है ना सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं कि किसका क्या प्राइस है। मैं कभी ना आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी कि कितने सस्ते सस्ते प्राइस में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। उसके बाद देखिए मैं घर आ गई थी एक कुछ चीज़ें लेकर के, मैंने एक कॉर्नफ्लेक्स लिया था, एक बिस्किट था, फिर और ये ना मेरा टूट गया था ये छनोटा जो है ये, इसका ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, जब हम यूज कर रहे हैं ना बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। उसके बाद एक अप्पे पेन मैंने लिया था, मेरे पास नहीं था, मुझे बहुत शौक था इसका, तो एक छोटा वाला मैंने लिया। ये जो है ना ये 99 का है, मैंने सोचा कि इसे यूज करके देखते हैं कि कैसा है, उसके बाद मैं अच्छा वाला लूँगी, ढक्कन वाला जो आता है कढ़ाई टाइप्स में उस टाइप का। उसके बाद ये आटा वेज मैगी है किट्टू के लिए, और ये जो है ना ये बड़ा क्यूट क्यूट सा लग रहा था बॉक्स देखने में, ये मैं अपना ड्रेसिंग पे यूज करूँगी, ये जो है ना इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें मैं रखूँगी उस पर। उसके बाद ये है इमली ट्री का, सॉरी ग्रीन चिली सॉस है, मुझे बड़ा वाला नहीं मिला तो इसलिए मैंने छोटा वाला ही ले लिया। उसके बाद ये सॉस है टमाटो केचप, हम लोग यही खाते, मुझे बहुत पसंद है ये, विशाल मार्ट की अपनी कंपनी की। एक चॉपिंग बोर्ड जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, आप लोग देख चुके थे कि मेरे पास नहीं थी, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है बट हम ले लिए ऐसे ही, 149 में था, मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत थी। और इसके बाद मैंने ये किट्टू के लिए समर्स के लिए जो है ना गर्मी आ रही है तो एक हाफ टी शर्ट ले लिया है, ये 79 का है, ऐसा नहीं है कि कम प्राइस का है तो क्वालिटी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी है। ऐसे भी ना रफ़ एंड टफ यूज होना है, एक दो महीना गर्मी भर तो दो तीन महीना पहनना है उसके बाद फिर। और ये ब्लैक वाला 99 का, वो 79 का था। और एक ये मैंने शॉर्ट कुर्ती लिया अपने लिए, जीन्स वगैरह या ऐसे ही ट्राउज़र पर पहनने के लिए, मैं इस तरीके का ना एक और पहले भी पहनती थी नेवी ब्लू कलर का था, उसी का जो ये कलर दूसरा है तो ये मुझे अच्छा लगा, मेरा और किट्टू का मैच कर गया कलर तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। उसके बाद यह किट्टू अपने लिए एक सिर्फ केक लेके आया था जो प्रैक्टिस कर रहा बर्थडे का एडवांस में। ये देखिए ये जो कुर्ती है ना थोड़ा सा लूज है, गर्मी के दिनों में ना जनरली आप लूज पहनो तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल बहुत होता है, ये प्योर कॉटन है बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इधर किट्टू जो है ना अपना फ्रेंड के बर्थडे में जा रहा है, वो अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट में केक लिया है, वो बोला कि गिफ्ट में वो केक ही देगा इसलिए वो केक ही ऑर्डर किया था, मैं मार्केट से लेके नहीं आई थी, वो जोमेटो से ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था। और ऐसे बर्थडे में मुझे भी जाना है तो पहले किट्टू गया उसके बाद फिर मैं बाद में जाऊंगी। ये देखिए मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, अभी ये वाइट वाला ड्रेस, मेरे पास तो जनरली सारे वाइट ही ड्रेस होते हैं। और ये देखिए ये जो है ना किट्टू का फ्रेंड है जिसका बर्थडे है, ये सारे बच्चे ना ये सारे सोसाइटी के नहीं है, कुछ कुछ बाहर के भी है, किट्टू के फ्रेंड का रिलेटिव में है। और ये जो केक कट वगैरह, और इतना भीड़ था ना अच्छे से वीडियो भी शूट हो पा रहा था, मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई केक कटिंग वगैरह, पर सारे बच्चों का ना जिद था कि उनका भी वीडियो बनाया जाए इसलिए मैं बना रही हूँ। ये मेरी सोसाइटी की भाभी लोग हैं सारी, जो हम लोग सब अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, सारी भाभी बड़ी क्यूट है मेरी। सब कोई ना इंजॉय करते, मैं वीडियो शूट करने में लगी हुई थी और ये सारा बच्चा पार्टी था। इसके बाद मैं आ गई अपना जो होता है ना फेवरेट जगह किचन, भाभी का थोड़ा सा हेल्प कराने के लिए क्योंकि बहुत काम था, भाभी लोग सब मिलके कर रहे थे तो मैंने कहा सोचा कि थोड़ा चलो मैं भी कुछ कर लेती हूँ, भाभी का हेल्प हो जाएगा तो इसलिए।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।